Hello guys, I'm your math teacher Mr. Manoj sir and this is your book Math Files. तो आज हम लोग आपको एक्सरसाइज 1.5 से स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है? एक्सरसाइज में आपका अच्छा सब्जेक्ट है मैथ्स और एक्सरसाइज आपके पास 1.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग इन द नियरेस्ट 10। तो मैं आपको सारे बता देता हूँ। फर्स्ट राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। मेरे पास क्वेश्चन है 88। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 88 फर्स्ट 80 और 90 यहां पर कहीं आ गया। इसके बीच में जो नंबर आता है वो आता है आपके पास 85। अभी देखो ये जो 88 है वो 85 के लेफ्ट जाता है करंट, ये आएगा यहाँ किस तरफ आएगा 88। तो ये आया आपके पास 90 की तरफ, जब आपके पास 88 आया वो 90 की तरफ आया, तो हो जाएगा राउंड ऑफ 88 इक्वल टू 9, ठीक है? इसी में फिर मैं आपको बता दूँ राउंड ऑफ 100, ठीक। जैसा मैं आया 728 तो 728 तो 700 और 800 इसके बीच में क्या आएगा आपके पास 750। तो देखो 700 जो है आपके पास 750 के लेफ्ट जाएगा राइट हो जाएगा आपके इस लंबाई की तरफ 753। तो हम कितना क्या रहे 700 लिखेंगे राउंड ऑफ 728 = 7। अब देखते हैं राउंड ऑफ 100 तो 1000 राउंड ऑफ 1000 बीच में आएगा 4500। अब हम देखेंगे हमारा 4500 की लेफ्ट जाता है या राइट है, ये इस तरफ आएगा 4628। तो आपके पास राउंड ऑफ हो गया राउंड ऑफ 4628 = ये गया इस तरफ 5000। ओके क्लास, हम इस तरह से निकल गए। अब ये आ गया आपके पास नियरेस्ट है नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 57 + 34, और इसे क्या करना है, इसका करना है सम सम ऑफ बाय सो टेबल एस्टिमेशन, ठीक। तो पहले हम करेंगे 57 राउंड ऑफ 57 कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 60 और निकलेंगे राउंड ऑफ 34 किया जाएगा आपके पास 30। नाउ ऐड करेंगे इसको प्लस कितना आएगा 09 आंसर। इस तरीके से करके एक और देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं 6801 + 420
ठीक, तो निकालते हैं राउंड ऑफ 6801 यह आ जाएगा आपके पास 6800 nearest 800, ठीक है। और राउंड ऑफ निकालेंगे हम इसका 428 का, यह आ जाएगा आपके पास 400। अब क्या करेंगे दोनों का, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना ज्यादा आपके पास 0 0 8 और 4 आपके पास जो है 7 700। इस तरीके से एक क्वेश्चन को 5 से देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 से इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है डिफरेंस। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो नंबर है हमारे पास 678 माइनस 258। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे राउंड ऑफ 678। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700। अगला राउंड ऑफ निकालेंगे 215 का, ये हो जाएगा आपके पास 200। अब क्या करेंगे दोनों का सब्ट्रैक्शन, माइनस, क्योंकि हमें माइनस करना है, तो हो जाएगा आपके पास 005 आंसर। तो इस तरह से डिफरेंस निकालेंगे। एक और देख लेते हैं रिलेशन से डिफरेंस को। तो हम लोग करेंगे इस तरीके से, योग्य सम और योग्य आपके पास डिफरेंस।